कल सायंकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी इंक्वायरी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है, उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये ऐसी अभी तक जानकारी नहीं है, कोई मिलेगी तो बताएंगे। और जहाँ तक मेरा ये दो दिन का कार्यक्रम है करनाल विधानसभा का, तो इसमें मैंने 4 वार्डों की बैठकें रखी हैं। मैंने वार्डों की बैठकें शुरू की थी पिछले 2 महीने पहले, 6 वार्डों के पहले हो चुकी हैं, 4 आज और कल में हो जाएंगी, 1 पंचायत की भी होगी। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए ये जो 2 दिन का कार्यक्रम है कंस्टिट्यूंसी का, बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत से कार्यकर्ताओं ने जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा की, जो इस वार्ड की कमियाँ हैं वो भी उन्होंने बताई हैं, कुछ लिखित में दी हैं। इन सब कामों को कॉरपोरेशन लेवल की ज़्यादातर होती हैं इसमें, तो कॉरपोरेशन हल करेगा। हाँ, एक जो रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज, अप्रूवल ऑफ कॉलोनीज, वो पेंडिंग अभी है, उसका सर्वे चल रहा है और इस महीने में मुझे लगता है कि यहाँ की जो कॉलोनीज इन्होंने भेजी हुई हैं लेकर के पहले, उनका सर्वे इस महीने पूरा होगा, अगले महीने में उनके अप्रूवल का काम पूरा किया जाएगा। पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया है 7 तारीख तक पहलवानों के मसले। देखिए, पहलवानों वाले विषय में चूँकि बहुत पहले से ये विषय चल रहा है और केंद्र सरकार इसको देख रही है और निश्चित रूप से कोई ना कोई हल इसका निकलना चाहिए। हमने अपनी ओर से भी प्रयत्न किया था, कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो बहुत जिसको कहना चाहिए कि फैसला होते होते छोटी मोटी जब कमी रह जाती है उसके बाद फिर जब चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं फिर कुछ संगठन खड़े होते हैं। खाप पंचायतों से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले को हल करने में वो आगे आए और सहयोग करें, ताकि जो भी कोई बात आपस में विवाद की है वो नज़दीक होकर के किसी तरीके से ठीक हो जाए। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सिंगल डिजिट में भी सीट नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूँ जिस कहूँगा क्या कहते हैं कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तो उनको राज करने का तो कोई सिस्टम जैसा उनका था हमको पता ही है 10 साल पहले क्या होता था। और अब 10 सालों में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए हमने जो अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं तो लोग आह्लादित हैं। इन 8 सालों के 9 सालों की हमारी जो उपलब्धियां हैं, लोगों का जो जीवन सरल हुआ है, एक ईज़ ऑफ डूइंग के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग के जो हमने कार्यक्रम चलाए हैं उस सब में लोग बड़े आनंदित हैं। मेरा जनसंवाद का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और उसमें मैं समझता हूँ कि जनता का जो रुख स्पष्ट है कि अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। सर, करनाल में हरियाणा यूपी सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है, ये निपटारा नहीं हो रहा, किसानों की जमीन जो है यूपी के खनन ठेकेदारों ने खोद ली है। पुराना विषय है, वो चकबंदी का भी था और कुछ आपस में बंटवारे का विषय था, उसके ऊपर हमारे डिप्टी कमिश्नर और टीम जो है उसको काम कर रही है उसके ऊपर। आशा तो है अमिकेबली हल होना चाहिए, अमिकेबली हल होता तो ठीक है, नहीं तो जो कानून की राय होगी, कानून जिसकी जो ज़मीन है उसको मिलेगी और जो गलत कब्जा किसी ने किया तो उसको हटाएंगे। कार्यकर्ता है उनसे आज बातचीत करेंगे, वार्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और भी अन्य जिला जो है आज सीएम मनोहर लाल के रहने वाले हैं वार्ड नंबर 4 वीरेंद्र कल्याण जो बीजेपी से विधायक है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल की जो पिपालू रोहानी मिशन आश्रम में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं करनाल और साथ में उनके जिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और मेयर जो करनाल से हैं वो मौजूद हैं, अन्य कार्यकर्ता पार्षद यहाँ से उनके साथ हैं और आज कार्यकर्ताओं से वार्ड नंबर 4 के कार्यकर्ताओं से तो बनाने एक जना चला।